ईद की जो रात है, ईद की जो रात है वो भी बड़ी कबूलियत की रात है। हमारे नबी का इरशाद है, मन काम लैलतैल ईदैन लम यमुत कल्बुहु यौम तमूतुल कुलूब। जो शख्स ईद की दो रातों को जागेगा, ईद की दो रातों को जागेगा, दो रातों से मुराद ईद उल अज़हा की रात और ईद उल फितर की रात, इन दो रातों में इबादत करेगा, इन दो रातों को जागेगा। जागने से मुराद सारी रात जरूरी नहीं है, सारी रात करें तो बहुत अच्छा, सारी रात नहीं तो कुछ हिस्सा, जो इन दो रातों में इबादत करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, जब दुनिया के इंसानों के दिल दुनिया की मोहब्बत से मुर्दा हो जाएंगे, उसका दिल मुर्दा नहीं होगा, अल्लाह उसके दिल को जिंदा रखेंगे। इसलिए आम तौर से ईद की रात को लोग इबादत नहीं करते, एतकाफ वाले भी चांद नजर आते ही भागते हैं घर की तरफ, फिर रात को देर तक घर में गप्पे लगाते हैं, फिर देर से आके मस्जिद में सो जाते हैं, फिर फजर में उठते हैं। ऐसे न करें, ऐसे मत करें, ईद की रात को जरूर इबादत करें, ईद की रात को जरूर इबादत करें। और जब ईद की सुबह होती है, ईद की सुबह होती है, अल्लाह करोड़ों फरिश्ते जमीन पे भेजते हैं और वो मुसलमानों की ईदगाह का जो रास्ता होता है उसमें सफ़े बना के खड़ा कर देते हैं, और वो फरिश्ते खड़े होते हैं, और जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं। जब ईदगाह में मुसलमान सफ़ेद कपड़े और साफ सुथरे कपड़े और नए कपड़े पहनकर नहा धोकर ईदगाह में आते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों तुम बताओ उस मजदूर को कितनी मजदूरी देनी चाहिए जो अपनी मजदूरी पूरी कर चुका हो, जो अपना काम पूरा कर चुका हो, उसको कितनी मजदूरी देनी चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह जो मजदूर अपना काम पूरा कर चुका हो उसको पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए जितना उसका हक बनता है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, अर्श पर मुस्तवी होने की कसम, तुम गवाह रहो, मैंने ईदगाह में इन आने वाले रोजे रखने वाले तरावी पढ़ने वालों की जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये तो फरमाते हैं फरिश्तों से, फिर अल्लाह उन बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और फरमाते हैं, या इबादी, ए मेरे बंदो, तुम मेरे दरवाजे पे आ जाए हो और तुमने सारा महीना रोजे रखे और तुमने तरावी पढ़ी और तुमने अपने आप को बुराई से बचाया, मेरे बंदो तुम आज मुझसे जो भी मांगोगे ना मैं तुम्हें जरूर दूंगा, तुम दिल खोल के मुझसे मांगो। चुनांचे बंदे जितनी दुआएं करते चले जाते हैं अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करते चले जाते हैं। फिर फरमाते हैं, अगर तुम दुनिया की दुआएं करोगे तो तुम्हारी मसलहत को देखूंगा, तुम्हारे लिए बेहतर हुई तो जरूर दूंगा और बेहतर न हुई तो इसको मुअख्खर करूंगा, और आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे पूरा करूंगा। चुनांचे लिहाजा अगर कोई ईदगाह में अल्लाह से ये दुआ करे, ए अल्लाह मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरी बीवी को भी, मेरे वालिद को भी, मेरी वालदा को भी, मेरे भाइयों को भी, मेरे भतीजों भांजों और भांजियों और भतीजियों को भी, ए अल्लाह मुझे, मेरे रिश्तेदारों को भी, सारे मुसलमानों को अपना कामिल वली बना दे, तो बताइए अल्लाह इस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा भाई। क्योंकि अल्लाह कहते हैं तुम आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे पूरा करूंगा। ईदगाह में जिसने अल्लाह से कहा ना, अल्लाह तेरा वली बनना चाहता हूं, तुझसे दोस्ती लगाना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं, तेरे नबी का सच्चा आशिक बनना चाहता हूं, अल्लाह उसकी इस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह कसमें खाका के कह रहा है आखिरत के बारे में जो मांगोगे अता कर दूंगा। अल्लाह इसलिए अभी भी अल्लाह से लेने के मौके बाकी हैं और ईद की रात आ रही है, इन मौके को हम जाया न करें, इनको गंवाएं नहीं,
इनमें ज़रूर कमाएं। क्या खबर अगले रमज़ान से पहले हमारा दुनिया से जाना मुकद्दर हो। किसने देखा है अगला रमज़ान।